वेल हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अगर आगे के वीडियो में अगर देखा हो तो मैंने सॉलिड वर्क से मैंने एक्सट्रूड बॉस बेस मैंने चलाया है, तो उसमें कुछ कमांड रह गए हैं दो तीन, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैं इस एंटिटी को मैंने क्रिएट किया है, कितनी है 100 बाय 100 mm का स्क्वायर है और उसको मैं 500 mm में लंबा कर रहा हूँ। ठीक, 500 mm मैंने लंबा किया। अब मैं कर रहा हूँ कोई भी एक स्केच, यहाँ पे स्केच को एडिट कर रहा हूँ। इस स्केच को एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं सर्कल में बना रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे, ओके। और स्मार्ट डायमेंशन में जाकर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, 55 mm का मेरा, 55 का मेरा एक सर्कल बन गया है। ठीक है, उसका मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा, यहाँ पर अंडर डिफाइन दिखाई देगा, ओके। आपको समझ जाऊँ, सपोज मैं इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसको अगर एक्सट्रूड करूँगा तो ये भी एक्सट्रूड हो जाएगा, तो वो कैसे करेंगे? तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सपोज सिलेक्ट काउंटर में जाके इसको मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ओके। तो ये मैंने सिर्फ एक सर्कल को मैंने क्या किया, मैंने एक्सट्रूड किया। अभी तक हमने ये अगर इस स्केच में देखोगे तो इस स्केच में कौन कौन सा है, कौन क्या क्या है, एक एक रेक्टेंगल है, ये क्या एक स्क्वायर है, एक एक सर्कल है, और मैंने सिर्फ सर्कल को मैंने एक्सट्रूड किया है, रेक्टेंगल को मैंने एक्सट्रूड, स्क्वायर को मैंने एक्सट्रूड नहीं किया। पर मेरे को स्क्वायर को भी एक्सट्रूड करना है, और स्क्वायर को एक्सट्रूड मेरे को कहाँ तक करना है, इस सरफेस तक करना है, इस सरफेस तक, किस कहाँ तक करना है, इस सरफेस तक। तो कैसे करेंगे, सपोज मैंने एक नया मैं स्केच कर रहा हूँ, फ्रंट प्लेन, ये स्केच अलग है, ठीक है, ये मैं नया प्लेन में, सपोज मैंने फ्रंट प्लेन लिया, मैं नया स्केच कर रहा हूँ, नए स्केच में मैंने ये वाला ही, मैंने सर्कल नहीं, मैंने ये वाला मैंने लिया, कोई भी मैंने एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, और इस रेक्टेंगल को मेरे को एक्सट्रूड करना है इस सरफेस का। तो उसके लिए सॉलिडवर्क्स में कमांड है, कमांड कौन सा है, एक्सट्रूड में जाके ये वाला सिलेक्ट कर देंगे। इसके लेंथ तो भाई पता नहीं, सपोज मेरे को लेंथ पता नहीं है, पर यहाँ पे एक कमांड है, सपोज 5 mm मैंने लिख दिया ऐसे ही, ब्लाइंड में जाके यहाँ पे एक कमांड है स्केच प्लेन में, सरफेस और फेस, यानी कि किस सरफेस तक आपको एक्सट्रूड करना है। तो इस सरफेस को आपको यहाँ पे जाके सरफेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो जिस सरफेस तक आपको एक्सट्रूड करना है उस सरफेस को सिलेक्ट कर देना है, उस सरफेस को सिलेक्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा फिर से दिखा देता हूँ, एक्सट्रूड बॉस बेस, इसको मैंने क्लिक किया, मेरे को लेंथ नहीं पता, लेंथ सपोज मैंने 50 mm मैंने ऐसे ले दी, पर ब्लाइंड में ना करके अप टू सरफेस करेंगे तो क्या होगा, अप टू यहाँ तक सरफेस में ये सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ तक एक्सट्रूड वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक्सट्रूड वो अपने आप हो जाएगा, यहाँ तक एक्सट्रूड वो अप टू सरफेस अगर करेंगे तो यहाँ तक वो एक्सट्रूड अपने आप हो जाएगा। तो ये है अप टू सरफेस कमांड। ठीक है, दूसरा कमांड देखते हैं, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे मेरे को एक सरफेस मेरे को सिलेक्ट करनी थी, तो मैंने ये सिलेक्ट मैंने कर दी, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर दी। पर अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस देंगे, सपोज मैंने 10 mm को मैंने डिस्टेंस की, 10 mm का डिस्टेंस दिया, तो 10 mm में डिस्टेंस में क्या होता है, इस सरफेस से थोड़ा अंदर रहेगा, कितने mm, 10 mm, सपोज मैं 55 mm में कर रहा हूँ, 55 इंचिस, तो ये 55 mm क्या होगा, अंदर रहेगा, वो 55 mm तक वो नहीं होगा, और ओके कर देंगे। तो देख सकते हो कि अप टू सरफेस कमांड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स किसी भी सरफेस तक आपका एक्सट्रूड करना है तो उससे आप समझ सकते हो कि आप एक्सट्रूड आप कर सकते हैं। ठीक, देख लेते हैं अभी इसमें नया कमांड देख लेंगे। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस हो चुका है अभी तक, अभी देखते हैं सरफेस प्लेन, मीन्स कहाँ से आपको ड्रॉ करना है। सपोज मैंने स्केच तो मैंने यहाँ किया फ्रंट प्लेन पे, पर मेरे को यहाँ से मेरे को एक्सट्रूड कराना है, तो उसके लिए सरफेस प्लेन में जाएंगे, सरफेस को सिलेक्ट कर देंगे। फिर से बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे जाके एक्सट्रूड करके
स्केच प्लेन में जाके सरफेस कर देंगे, जहाँ से आपको एक्सट्रूड करवाना हो वो सिलेक्ट कर देंगे, और कितने mm करना है वो सिलेक्ट कर देंगे, 100 mm। ओके तो ये हो चुका है, ठीक है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब एंड शेयर।